हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं अपने करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन, क्योंकि करंट अफेयर्स अब सभी एग्जामों में आ रहा है। तो ये हमारे दिसंबर और जनवरी माह का करंट अफेयर्स है, यानी हाल ही का है। तो अब हम अपनी नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल रीना एजुकेशन पर करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको डेली 10 क्वेश्चन मिलेंगे और आप वो 10 क्वेश्चन डेली आप याद करते रहेंगे तो आपको हो सकता है कि बहुत अच्छी तैयारी हो जाए आपकी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपका टाइम का वेस्टेज नहीं है, बिल्कुल आपको सटीक तैयारी कराई गई है, तो इसलिए थोड़ा सा आप देखेंगे करंट अफेयर्स आज का। तो आज है क्वेश्चन है हमारा पहला, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेक क्यून क्रूज का उद्घाटन कहाँ किया है। तो किसका उद्घाटन किया है, लेक क्यून क्रूज का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो इन्होंने गोरखपुर के रामगढ़ ताल में लेक क्यून क्रूज का उद्घाटन किया है। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है, नॉन वेज डे कब से घोषित किया गया है। यह एक नया डे घोषित किया गया है, अब मनाया जाएगा, तो ये कब से घोषित किया गया है। ये किया गया है 25 दिसंबर 2023 से साधु T.L. बासवानी की जयंती पर घोषित किया गया है ये नॉन वेज डे, क्योंकि वो क्या थे, वेजिटेरियल नॉन वेज के मतलब की खिलाफत करते थे और वेजिटेरियन वेजिटेबल खाने पर ज़्यादा जोर देते थे, तो इस वजह से उनके जन्म दिवस पर, उनकी जयंती पर 25 दिसंबर 2023 से नो नॉन वेज डे घोषित किया गया है। उस दिन कोई भी सारे जो होते हैं अबेचर बूचर खाने वगैरह जो होते हैं, मीट वगैरह होता है, वो सब बंद रहेगा दुकान है उनकी। किस दिन, 25 दिसंबर 2023 से। फिर तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अवध फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है। अवध फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, तो ये अवध फेस्टिवल का आयोजन किया गया है लखनऊ में हाल ही में। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है। तो ये देने की घोषणा की गई है, मैथिली भाषा के रचनाकार हैं बासुकीनाथ झा को। ये मैथिली भाषा के निबंधकार हैं और इन्होंने मैथिली भाषा में ही निबंध संग्रह लिखा है बोध संकेतन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। मैथिली भाषा के कवि हैं ये जो बासुकीनाथ झा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में छात्रों के लिए मिशन दक्ष योजना कहाँ शुरू की गई है। तो मिशन दक्ष योजना शुरू की गई है बिहार में। यहाँ पर आर्थिक रूप से पीड़ित छात्रों को शिक्षा देने की योजना बनाई गई है। इस योजना को मिशन दक्ष योजना के नाम से जाना जाता है और यह योजना बिहार में शुरू की गई है। फिर हमारा आज का क्वेश्चन आता है, हाल ही में कूनो वन महोत्सव का आयोजन कब और कहां किया गया है। हाल ही में कूनो वन महोत्सव का आयोजन, तो यह आयोजन कूनो वन महोत्सव का किया गया है मध्य प्रदेश के रानीपुरा गांव में, और ये महोत्सव 17 से 31 दिसंबर तक चला। मध्य प्रदेश के रानीपुरा गांव में 17 से 21 दिसंबर तक ये आयोजन चला, कूनो वन महोत्सव। तो ये हमने कुछ करंट के क्वेश्चन देखे, इसी तरह की सीरीज आपको करंट की महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं करंट अफेयर्स के, वो आपको इस चैनल पर अवेलेबल कराए जा रहे हैं। आप डेली उन्हें पढ़ते रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो डेली के डेली आपको मिलेगी कुछ करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। तब तक बने रहें चैनल पर। धन्यवाद।